मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है, दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी, 67 सीट आई, 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आईएएस अफसर से क्लास ए से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें, हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के, जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई नहीं देना चाहता, बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा।